हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मनोज कुमार। आज की वीडियो वफादारी के ऊपर है। जिसको ये बोरिंग लगता हो वो वीडियो छोड़ के जा सकता है, जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना है वो सिर्फ वीडियो देख सकता है, जिसको अपना ज्ञान बढ़ाना है वही वीडियो देखे, अन्यथा जा सकता है। तो वीडियो बहुत चल रही है, मैं फोन आपके पास है देख रहे हो, जिसमें आपका समय बर्बाद होगा, मिलना कुछ है नहीं। यहाँ पर मेरे चैनल पर इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ एक ज्ञान की बात मिलेगी, जिसे आपको दुनिया में कोई बताने वाला नहीं है, और जिसके बल पर लोग एक दूसरे का चूतिया काटने लगे। सॉरी, गाली नहीं देना चाहता, मैं गाली नहीं देना चाहता था, गलती से निकल गया। एडिटिंग नहीं करूँगा इसे, क्योंकि बातें इतनी गहराई की है। कहीं आप देख लो, आपका चूतियापा तो नहीं कट रहा है? कोई आपका चूतियापा तो नहीं काट रहा है? ये आज जान लो और समझ लो, कहीं ऐसा तो नहीं जिसे आप सेहत समझ के चाट रहे हो ना, वो बहुत खतरनाक जहर हो। और जिस दिन आपको पता पड़े कि वो सेहत नहीं है, जहर है, उस समय आप किसी काम के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि समय निकल चुका होगा। ये एक ऐसा जहर है ना, जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, पता नहीं पड़ता। मजाक लग रहा है बात को, मजाक में लो, कोई टेंशन नहीं। जाओ रील देखे, रील आप लोग रील देखो, रील लाइक हो ना, बस एक मिनट की रील देखा हो गया, उसी में ज्ञान मिल गया आपको। एक मिनट की वीडियो में आपको ज्ञान मिल जाता है। अब तो 30-30 सेकंड 15 सेकंड की रील आ रही है, बस स्केप करते जाओ, देखते जाओ। कब आपका 1-2 घंटा 3 घंटा खत्म हो जाता है आपको पता तक नहीं पड़ता है रील देखने में। और मेरी वीडियो आपको बोरिंग लग रही है। बात करेंगे हम आज वफादारी पे, वफादारी शब्द पे। वफादार, पहले नंबर में सारे टॉपिक खोलने से पहले एक बात बोल दूं, ये जान लो कहीं आप वफादार तो नहीं हो किसी के, क्योंकि वफादार सिर्फ दो ही लोग होते हैं दुनिया में, दो लोग भी नहीं बोल सकता मैं उनको, वो इंसान है ही नहीं है, वो उनमें से एक तो जानवर है। एक पहला नंबर कुत्ता, दूसरा नंबर गुलाम, और इनको इंसान कहलाने का हक नहीं है। दो ही जीव ऐसे हैं जो इस दुनिया में वफादार रहते हैं, एक कुत्ता एक गुलाम, इसके अलावा तीसरा नहीं है। कुत्ता तो आप हो नहीं, कहीं गुलाम तो बन नहीं गए, इंसान ही हो ना। वफादारी इतनी खतरनाक चीज है, इस वीडियो में जानोगे आज आप, इसी वीडियो में। ये वीडियो कहीं मिलेगी नहीं आपको, कहीं भी सर्च कर लेना, बहुत दिन के सोचने के बाद में वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि वफादारी एक ऐसी दीमक है ना, जो इंसान को अंदर से खा जाती है, उसको कुछ पता ही नहीं पड़ता, जब पता पड़ता है समय निकल चुका होता है। ये वफादारी ऐसी चीज है ना कि इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है। और जिस दिन आपको पता पड़ेगा ना कि आप अंदर से खोखले हो गए हो, उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। और जिसके आप वफादार हो ना, क्योंकि उसे पता है कि आप वफादार हो, जिस दिन आप अंदर से खोखले हो जाओगे ना, उसके काम के नहीं रहोगे, पिछवाड़े पर लात मार के फेंक देगा आपको बाहर, और उससे पहले आपको जाने नहीं देगा। इतने प्यार से रखेगा ना कि आप उसी गुड़ गाओगे, क्योंकि आप उसके वफादार हो चुके हो। जिस व्यक्ति के आप वफादार हो ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप तरक्की करो, तुमको तरक्की नजर आएगी अपने में, वो दिखाएगा कि हाँ तुम तरक्की कर रहे हो, तुमको यही लगेगा वो मेरा भला कर रहा है।
जिसके आप वफादार हो यही दिखाएगा कि वो आपके ऊपर भला कर रहा है, आपके ऊपर एहसान कर रहा है। आपको उस व्यक्ति से जिसके आप वफादार हो उस व्यक्ति से बढ़ के कोई नज़र नहीं आएगा। लोग घर परिवार सब छोड़ देते हैं भाई उसके लिए जिसके लिए वो वफादार हैं। ये कोई भी हो सकता है। आप जिस व्यक्ति के वफादार हो वो कौन है ये डिसाइड नहीं होता है कि इसी व्यक्ति का इंसान वफादार हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने दोस्त का वफादार हो सकता है, वो दोस्त तरक्की करेगा लेकिन आपको कभी नहीं आगे बढ़ने देगा। आप उसके एहसानों तले हमेशा दबे रहोगे और वो सब कुछ आपका दोस्त आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। आप किसी कंपनी में अपने सीनियर के प्रति वफादार हो जाओगे। उस कहते हैं ना कंपनी के चमचे, वो चमचे होते हैं ना उनमें से कुछ तो वफादार हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता कब वफादार हो गए हैं थोड़े से लालच में। और उनके थोड़ा सा लालच दिखा के उनको इतना चूतियापा काटा जाता है ना, उनको कुछ भी एहसास नहीं होता है। हो सकता है आप अपनी कंपनी के मालिक के प्रति वफादार हो, ठेकेदार के प्रति वफादार हो, सुपरवाइजर के प्रति वफादार हो। आप जिसके भी प्रति वफादार रहोगे ना वो आपकी समस्याओं के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, छोटी छोटी समस्याओं के लिए, बड़ी समस्याओं के लिए थोड़ा सा लालच देगा और आप खुश। अरे क्या है, कभी कोई समस्या आएगी आपको पैसा दे दिया जाएगा, जाइए काम करा लीजिए। लेकिन आओगे तो पैसा तो कटवाओगे ना, हराम में दिए है क्या? बाहर आप जिस पेमेंट में आप काम करते हो ना, जिसके प्रति वफादार हो, वहां से बाहर निकल कर उससे डबल कमा सकते हो। लेकिन ये सोचने की क्षमता आप खत्म कर चुके होंगे क्योंकि आप वफादार हो चुके हो। हो सकता है अपने भाई के प्रति वफादार हो, अरे दुनिया के नहीं सगे भाई की बात कर रहा हूं, भाई सगे भाई भाई के प्रति वफादार हो सकते हो। ये इसमें डिपेंड नहीं करता कि छोटे भाई के प्रति या बड़े भाई के प्रति, किसी के प्रति भी। चाचा ताऊ के प्रति हो सकते हो, परिवार में किसी से सदस्य के प्रति हो सकते हो वो। लेकिन वो आपको अपनी वफादारी में ऐसे रखेगा कि आप उसी गुड़गाओगे, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। समझे, कुछ बुझाया? पहला नंबर, वो आपको कभी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देगा जिसके प्रति आप वफादार हो, गुमराह करके रखेगा आपको हमेशा। आप सोचने की क्षमता खत्म कर दो। आप मेहनत करोगे और सामने वाला तरक्की करेगा। आप सोचोगे बड़ा आदमी हो गया है, मेरा इज्जत कर रहा है, वो घंटा की इज्जत कर रहा है। तुम जैसे चूतियों को पाल के वो, क्या बोलूं यार, बोलना नहीं चाहिए यार। जो वफादार है ना उसके ऐसे तुम जैसे कितने चूतियों को अपने अंदर वफादार बना रखा है वो, और तुमको आपस में भिड़वाता रहेगा, तुम उसके कटाप में लगे रहोगे। नेता के देखा, नेता देखे हो ना, गांव में देखे होंगे कुछ, उनके चमचे होते हैं, चमचे नहीं होते हैं वो वफादार होते हैं। उनके विधायक एमएलए एमपी कोई भी हो सकता है, आपके जानकारी में होंगे क्योंकि आप भी भारत में रहते हो, बाहर नहीं रह रहे हो, देखते हो, कुछ आपकी जानकारी में होंगे उनके कि हमारे उन बड़े उसे कहेंगे अरे विधायक जी से हमारा वो है, ये है, बस उनके आगे तुम हिलाते रहेंगे। अपन उनका भला कुछ नहीं होता है, रैली में चलना है, वहाँ जाना है, यहाँ करना है, पार्टी में जाना है, बस
थोड़ा सा काम दे, होता नहीं है। ऐसे लोग क्या है, टटलू पकड़ते रहते हैं, दलाली का काम करते हैं, वो लोग कुछ कमा नहीं पाते हैं, रॉब जमा के खाली चलते हैं, जिंदगी में कोई तरक्की नहीं होती उनसे। जिसके प्रति आप वफादार हो वो व्यक्ति कभी अपनी बराबर तुमको होने नहीं देगा, अपने अपने से आगे तो बढ़ने जब देगा। जिसको आप ज्यादा मानते हो उसकी बराबरी करके देखना, होने देगा आपको नहीं देगा। आप बड़े जब बनोगे ना, वो तुमसे ज्यादा बड़ा बनेगा तभी आपको बड़ा बनने देगा। उसकी आप उसकी पोजीशन पर पहुंचोगे ना, वो आप जिस पोजीशन पर है ना, उसे कई गुना ज्यादा ऊपर जा चुका होगा। जिस दिन आप ऊपर उठना चाहोगे ना, आपको दबा देगा, पता नहीं पड़ेगा, इतने प्यार से काटेगा ना आपको। वफादारी वो जहर है ना, चाटने में शहद लगता है, लोग चाटते हैं शौक से। वफादार होना है ना, सिर्फ दो व्यक्ति ऐसे हैं इस संसार में जिनके आप वफादार हो सकते हो। क्यों? क्योंकि वो दो व्यक्ति जो है ना, वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा तरक्की करो, आप उनसे ज्यादा तरक्की करो। वो सिर्फ माँ बाप हैं, आप सफल हो जाओ, सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होगी, और किसी को नहीं होती। भाई बहन, यार दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार, कोई नहीं। उनको जब तक खुशी रहेगी कि आप उनसे नीचे रहोगे, अगर जिस सामने वाले से ऊपर उठ जाओगे ना, मुंह पे तो भलाई करेगा, अंदर से टीच चुभती है यार उसकी, पीछे से कटाप करेगा। ये रियलिटी है, मेरे को बात बनाना नहीं आता, बोल देता हूँ, लोगों को समझ में आए तो आए, ना आए तो ना आए। समझना है, समझो, ना समझो, ना समझो यार, ये बातें उनके समझ में नहीं आएगी जो रील देखते हैं। वीडियो देख रहे हो, वीडियो खत्म होने के बाद में मोबाइल बंद करके थोड़ी देर सोच लेना, थोड़ी देर चिंतन करना, क्या आप किस स्थिति में हो। कहीं अपना भविष्य बर्बाद तो नहीं कर रहे हो किसी के प्रति वफादार होके। अरे मेहनती रहो, ईमानदार रहो, रॉयल रहो, भरोसेमंद रहो, लेकिन वफादार मत बनना। अब रियलिटी बता दें, कोई भी दोस्त ये नहीं चाहेगा कि उसका दोस्त उससे ज्यादा तरक्की करे, ये रियलिटी है। मुंह पे चाहे कुछ भी बोले कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा तरक्की करे, ये रियलिटी है। माना कभी शादीशुदा नहीं हो, ठीक है, नॉर्मल हो, सपोर्ट करेंगे सब। जिस दिन फैमिली हो जाएगी ना सबकी, उस दिन वही भाई टांग खींचना शुरू कर देगा, रियलिटी है। यह प्राकृतिक देन है भाई, अब एक बहन की बात कर लेते हैं। कोई भी लड़की, उसकी ये सोच होती है ना, उसकी शादी से पहले यही सोच होती है कि मेरा भाई मेरे होने वाले पति से ज्यादा पावरफुल रहे, पैसे में, ताकत में, हर चीज में, ये सोच लेकिन शादी से पहले तक रहती है। लेकिन जब शादी हो जाती है, एक दो साल हो जाएंगे, तो वही आपकी इस बहन, वो नहीं चाहेगी कि उसका पति उसके भाई से कमजोर,
उसकी सोच उल्टी हो जाएगी। वो हमेशा यही सोचेगी कि मेरा जो हस्बैंड है मेरे भाइयों से पैसे में, पावर में, हर चीज़ में ऊपर रहे। सोच बदल गई ना भाई, सबके साथ में होता है। अपने अपने घर में देख लो भाई, अपने घर में देख लो। बात कड़वी है, जो आपकी सिस्टर है शादी से पहले उनका क्या व्यवहार था, और शादी के बाद क्या व्यवहार। मैं नहीं कह रहा हूं कि अपनी हस्ती खेली जिंदगी को आग लगाए सब हर चीज भाई कर, नहीं ये नहीं है, खाली उनके सोच बदल जाती है। आपने उनको ले क्या क्या किया वो उनके लिए मायने नहीं कर रखता, भूल जाते हैं सब। अब क्या कर रहे हो यही याद रखा जाएगा, पहले क्या किया उससे कोई मतलब नहीं किसी को। क्या आपने उनके लिए अपना कैरियर दांव पे लगा दिया, कैरियर नहीं चुने, अपना भविष्य बर्बाद कर दिए। सबको संभालने में अपना समय बर्बाद किए, क्या किया वो मायने नहीं रखता, सब भूल जाता है इंसान। कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, सब भूल जाएंगे, यार हो, दोस्तों, सब भूल जाएंगे, नाते रिश्तेदार सब भूल जाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि आप उनके प्रति उस समय वफादार हो चुके थे। तो भाई एक ही बात कहना है, ईमानदार रहो, मेहनती रहो, रॉयल रहो हर रिश्ते में, लेकिन अपने आप के लिए भी टाइम निकालो, अपने आप को मजबूत रखना। अगर आप मजबूत हो ना तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और एक समझ में आ गया है, हमेशा मदद के लिए सबके लिए तैयार रहते हो, अच्छी बात है, लेकिन पहले यह तो देख लो तुम पैरों पर खड़े हो कि नहीं। यार ईमानदार मेहनती रहो, ठीक है, वफादारी में इतने चुतिया हो जाते हैं, सामने वाले की मदद करने चले जाते हैं, अरे वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है फिर भी तुम उसकी मदद कर रहे हो, क्योंकि तुम जैसे चुतियों को उसने पाल रखा है। सोच बदल लो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना करना मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी लगे तो लाइक करना। अब मुझे पता है बहुत लोगों को तो बेकार लगेगा, चैनल सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे को जो बोलना है मैं बोलूँगा, ऐसे वीडियो डालूँगा, तुमको देखना तो देखना, ना देखना तो कोई दिक्कत नहीं, जाओ रील देखिए, आप उसी के लायक हो। हाँ, जो व्यक्ति हो मेरे इस वीडियो को एग्री करते हैं, उनके मन में अगर कोई थॉट जगा है, कोई अंदर का जो कीड़ा है ना, जो ताला बंद है, दरवाज़ा है वो खुला हो, थोड़ा सा भी जंग हटी हो, तो वो लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फालतू लोग मत करना रे, उनके लिए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मेरे चैनल पे अब बकचोदी वाली चीज़ नहीं आएगी, रील वगैरह मैंने भी बहुत वीडियो बनाई, कुछ नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता किसी से। इसी तरह की और वीडियो लाऊंगा जो आपके दिमाग को खोल दें। देखना चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बता देना, और जिसको रील देखना है वो तो जाए, उसने तो अपना समय बर्बाद कर लिया, जिसको खाली अपना टाइम पास करना है, जिंदगी में कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है अपनी बात में, वो चैनल सब्सक्राइब ना करें जिनको जिंदगी में कुछ नहीं करना हो, जिसकी मेरी वीडियो से फर्क ना पड़ता हो ना, कोई फर्क ना पड़ा हो, तो लाइक वाइक ना करें, उसको जरूरत नहीं हो। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब वही व्यक्ति करें जिसके दिमाग का तार हिला हो थोड़ा मेरी बातों से,
तार सुन्न पड़ा था ना, उसमें थोड़ा वाइब्रेट हुआ हो। जो दिमाग का ढक्कन है ना, वो थोड़ा सरका हो, इतना ही कहूंगा। जिसका दिमाग का जो ढक्कन का जंग खुला है ना, ताले का जो जंग हटा है ना, वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।